आज दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर अपने मोबाइल में एक फॉर्म बनाकर और किसी से उसका पासवर्ड, उसका यूजर नेम, उसकी ईमेल, सारी डिटेल्स लेना चाहते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखना, बहुत ही आपके काम में आएगा, तो आप वीडियो प्लीज़ पूरा देखना। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपने जो है ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसका नाम है फॉर्म्स ऐप। ये मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को सर्च करने के बाद भी नहीं मिलता। वीडियो पूरा दिख रहा है, कुछ 20 मिनट का है, तो यहाँ पर आपने लिखना है फॉर्म्स डॉट, उसके बाद आपने फॉरम्स डॉट ऐप आपने यहाँ पर टाइप करके सर्च कर देना है। फिर आपने थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर आपको ये ऐप्स मिल, ऐप में यहाँ पर ये देखिए ये मिल जाएगा। यहाँ पर फॉरम्स ऐप क्रिएट फॉरम ऑनलाइन, ये वाला ऐप आपने डाउनलोड कर लेना है। फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो आप इसका पूरा नाम सर्च करना, फॉरम्स ऐप्स क्रिएट फॉरम्स ऑनलाइन। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। फिर आप जैसे इसे ओपन करेंगे तो ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के जितने फॉर्म्स चाहें वो बना सकते हैं। जैसे कि आपको किसी से इंस्टाग्राम का पासवर्ड और उसका अकाउंट लेना है, ईमेल का पासवर्ड और अकाउंट लेना है, तो अब यहाँ पर फॉर्म्स कैसे बनेंगे और उनको पोस्ट कैसे करेंगे और किसी को उन पर लाएंगे कैसे, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, जैसे कि मैं किसी का इंस्टाग्राम का जो है पासवर्ड और उसका जो है अकाउंट लेना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आप किस चीज़ का जो है फॉर्म जो है बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है कोई एक सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि मैं जो है यहाँ से जो है मैं कौन सा फॉर्म बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें ये पूरा फॉर्म जो है बना हुआ है। लेकिन अगर आपको ये फॉर्म नहीं चाहिए, मतलब कि अगर आपको ऐसा फॉर्म नहीं चाहिए तो आप अपना कैसे बनाएं वो भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर यूज़र अपना आपको नेम भी दे देगा, डिस्क्रिप्शन भी दे देगा, आपका अपना नंबर भी दे देगा, एड्रेस भी दे देगा और डेट भी दे देगा, हर चीज़ यहाँ पर आपको दे देगा। बस आपको यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ एडिट करनी है, जैसे कि आप जो है यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर के साथ आप यहाँ पर पासवर्ड लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ़ोन नंबर को मिटा देंगे और यहाँ पर पासवर्ड लिख देंगे। तो इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर पूरा फॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद देखिए ये फॉर्म है, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, आप बहुत ही अच्छा फॉर्म यहाँ से बना सकते हैं, जैसा आप चाहें, छोटा चाहें, बहुत बड़ा चाहें, या फिर सिर्फ जो है पासवर्ड और ईमेल का चाहें, कैसा भी यहाँ पर आप फॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका फॉर्म जो है वो सेव हो जाएगा। फिर आपने जो है इसको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो फॉर्म था यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, जो आपका फॉर्म है, उसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्म ओपन हो गया। तो इसी तरीके से आप जो है किसी से भी उसकी सारी डिटेल्स ले सकते हैं। अब जो है ये तो सिर्फ आप ओपन कर सकते हैं, अगर आप किसी और को यहाँ पर लाना चाहते हैं तो वो कैसे लाएंगे, तो वो मैं सब इस वीडियो में बताता हूँ। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को पोस्ट करना पड़ेगा। पोस्ट कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर जो है लीव दिस पेज करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स में जाना है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि शेयर, शेयर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर जो है किसी के ऊपर भी, किसी को भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से लिंक से शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर किसी कॉन्टैक्ट को शेयर कर सकते हैं, किसी इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर किसी को शेयर करके उससे आप कह दें कि ऐसे करोगे आपको इतने फॉलोअर मिल जाएंगे, लाइक मिल जाएंगे, वो यहाँ पर लॉगिन करेगा और उसकी जो भी डिटेल यहाँ पर डालेगा वो सारी की सारी आपके पास आ जाएगी। तो इसी तरीके से हैकिंग होती है, तो अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो उससे आप बचना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो लाजमी से लाजमी कर देना। तो अभी वीडियो को लाइक करें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।